हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक आरजेक्स में। आपको थंबनेल देख के या तो फिर सामने आपको पता ही चल गया कि आज का कौन सा वीडियो होने वाला है। खूनी मंडे पे गाइस, बहुत ही इजी थंबनेल है। बहुत बार मैंने वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारे मेरे दो तीन वीडियोस वायरल भी हुए हैं इसमें शायद। तो गाइस आप लोग को है ना बताने वाला हूँ खूनी मंडे के बारे में, बट बहुत ही इजी और कॉम्प्लेक्स तरीके से नहीं बताऊंगा, सिंपल तरीके से बताऊंगा आज के वीडियो में, ठीक है। तो बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं यार थंबनेल चाहिए, हॉरर थंबनेल चाहिए, और आजकल बहुत ज़्यादा स्पूकी और बहुत ज़्यादा थंबनेल बनाना लोग सीख रहे हैं, ठीक है। तो मदद करना है बस, मेरा यही काम है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। सबसे पहले गाइस सब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, जाना है कैनवा ऐप में, CANVA कैनवा ऐप में जाना है। यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना है यूट्यूब थंबनेल, ठीक है गाइस। जैसे ही आप लोग यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल लिखोगे, यहाँ पे ब्लैंक पेज ओपन दिया रहेगा। सबसे पहला पेज ओपन करना है, इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे एलिमेंट सेक्शन और अपलोड सेक्शन, दो सेक्शन यहाँ पे दिया है। दोनों सेक्शन को हमको यहाँ पे यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहला गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कोटा फैक्ट्री यहाँ पे दिया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे हॉरर गेम दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे क्राइंग बेबी दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। कैसे करना है गाइस मैं आपको बता दूँ। देखो यार यहाँ पे ना थंबनेल बनाना बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे बैकग्राउंड लेना है वो चीज़ का जो कि यहाँ पे बैकग्राउंड लिया नहीं है। जैसे कि यहाँ पे बैट लिया हुआ है, ठीक है, तो कुछ वो लिया हुआ है, ठीक है। तो कैसे करना है आपको, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे जाना है थंबनेल एलिमेंट्स पे, यहाँ पे लिखना है बैड, बेडरूम एट नाइट, ठीक है, ऐसा लिखना है, बेडरूम लिखा है, बेडरूम एट नाइट, ठीक है। ये मैंने ले लिया इमेज, राइट। अब यहाँ पे बेडरूम मैंने ले लिया, यहाँ पे अब चीज़ कैसे करना है अपने को, यहाँ पे दिखाना है हॉरर टाइप में, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कैसा है, कैसे क्या नहीं है, अब मैं ना या तो मैं दो ऑप्शन यहाँ पे कर सकता हूँ, इसको इमेज को जूम करके देखो, इस इमेज को मैं जूम करके यहाँ पे ठीक है, इसके ऊपर मैं है ना ये देखो यहाँ पे ब्लू लाइट, ब्लू लाइट दे सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि कैसा मैं बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे देखो ये इस तरीके का शैडो दे सकता हूँ, इसको भी मैं ना इस तरीके से रोटेट करके, देखो यहाँ पे अभी थोड़ा स्पूकी टाइप लग रहा है। देखो यहाँ पे नीचे से थोड़ा इस तरीके से हॉरर टाइप में देना है, इससे क्या होगा ना थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा स्पूकी टाइप। तो यहाँ पे है ना वाइट स्मोक ले लेना है, ठीक है, इस तरीके से, चारों तरफ लगा देना है, राइट। अब ये तो हो गया मेरा यहाँ पे थंबनेल। अभी यहाँ पे मेरे को घोस्ट दिखाना है, ठीक है। तो कैसे करूँगा, यहाँ पे मेरे पास घोस्ट एनिमेशन पे तो नहीं है, देखो यहाँ पे एनिमेशन यहाँ पे लिख सकता हूँ लेडी घोस्ट एनिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पे सेव इमेज कर लेना है, जैसे कि थोड़े बहुत लेके पीएनजी इमेज में, देखो यहाँ पे मैंने पीएनजी इमेज ले लिया, सॉरी मेरे को देख के और डर लग रहा है इसमें पीछे से। इस तरीके से यहाँ पे आपको पीएनजी इमेज ले लेना है, बहुत सारी इमेज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दो इमेज में दिखा देता हूँ कैसे करना है। यहाँ पे देखो अपलोड सेक्शन में जाना है, अपलोड इमेज करना है, और दोनों इमेज ले लेना है जो आप लोग ने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। इस इमेज को पीएनजी में इसको मैंने कमलोड कर लिया, ठीक है। इस इमेज को बैकग्राउंड रिमूव करना है एडिट में जाके। अब गाइस मेरे को यहाँ पे है ना इस इमेज को दिखाना है, तो इस इमेज को मेरे को यहाँ पे काटना पड़ेगा,
ठीक है, इसको एडिट करके शेडो में जाके आउटलाइन कर देना है। आउटलाइन में इसको इसको वाइट कर देना है, ठीक है, और थोड़ा साइज़ इसका कम करना है, ठीक है, इस तरीके से। ये है मेरे पास, इसको इमेज को डालना है यहाँ पे, इसका भी एडिट इमेज में जाके शेडो में जाके आउटलाइन करना है। आउटलाइन में भी मैं इसको वाइट करना है, ठीक है, चमकाना है, राइट। और सबसे पहले अपलोड सेक्शन में जाना है, आपको एरो ले लेना है, सॉरी एलिमेंट्स में जाना है, एरो ले लेना है। मेरे पास अपलोड सेक्शन में ऑलरेडी एरो है, तो ये दो एरो मैं यहाँ पे लूँगा, एक एरो इधर डाल दूँगा, एक एरो यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। और थोड़े कार्टून इफेक्ट आपको डालने हैं, तो यहाँ पे एलिमेंट्स में मिल जाएगा, घोस्ट डालोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको बहुत सारे घोस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, तो ये सब तो हो गया, चलो ठीक है, मान लिया बात क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे एरम जो भी है आपको ले लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्मोक दिया है वाइट वाला, ये स्मोक आजू बाजू भी लगा सकते हो आप लोग, ठीक है, इसके पीछे भी लगा सकते हो। अब ये तो यहाँ पे हो गया गाइस, अब इसमें मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट डालना है, ठीक है, टेक्स्ट डालना है। तो टेक्स्ट कैसे डालना है यहाँ पे, तो आपको जाना है यहाँ पे TextStudio.com, TextStudio.com में जाओगे तो यहाँ पे स्ट्रीट फाइटर करके एक एक्शन आता है, सेक्शन आता है, इस पर जाना है। इसमें आपको सबसे पहले बैकग्राउंड में जाना है और यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव कर देना है, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट में आपको जो भी लिखना है, जैसे कि बेडरूम ऐसा कुछ लिखना है। स्टाइल में जाना है, ये ग्रेडियंट दिख रहा है ना, इसको कट कर दोगे तो यहाँ पे वाइट में आ जाएगा, ठीक है। पर अपने को यहाँ पे बेडरूम यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसको मेरे को रेड करना तो रेड कर सकते हो, वाइट करना तो वाइट कर सकते हो। तो मेरे पास रेड कर रेडी करना है घोस्ट, ठीक है, इस तरीके से करना है। यहाँ पे टेक्स्ट में जाना है, इसका जूम कर देना है, ठीक है। और कैरेक्टर्स में थोड़ा स्पेस चाहिए तो कैरेक्टर में थोड़ा स्पेस भी डाल सकते हो। फिर डाउनलोड सेक्शन में जाओगे तो PNG ट्रांसपेरेंट में करना है, PNG नहीं करना है, PNG ट्रांसपेरेंट में करना है। तो ट्रांसपेरेंट करोगे तो कैसे आएगा, इस तरीके से इमेज पहले से ट्रांसपेरेंट होकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा अपलोड सेक्शन में, अपलोड करूँगा फाइल जो मैंने यहाँ पर डाउनलोड की है अभी, टेक्स्ट बना के इसको मैंने कर दिया, ये मेरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। आप चाहो तो इसको ऊपर कर सकते हो, आप चाहो तो इसको नीचे कर सकते हो, ठीक है। जो भी सेक्शन है आप लोग एक दो इमेज और भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे बना के जो भी है, ठीक है। और रेड में करना है तो सेम सिमिलरली आपको वैसे ही हो जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल में जाना है, यहाँ पे वाइट की जगह पे रेड हो जाएगा। और नीचे जो आते हैं ना टेक्स्ट बनाते हो उसको सिमिलरली ऐसे डाउनलोड करके, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार डाउनलोड कर लिया मैंने, अब क्या होगा, यहाँ पे जाऊँगा अपलोड फाइल में, उसको डाउनलोड करूँगा फिर से, फिर यहाँ पे छोटा सा सेक्शन नीचे में आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे बनता है, ये आपका हॉरर थंबनेल यहाँ पे बन जाता है, जो कि आपका है कोनी मंडे के जैसा, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट।